Cambia mi horno, cambia y los daños me voy desante, dice. Porque en esa no va a matar, o cae a mi niño. ईमान
जब वो अंदर उतर जाएगा तो फिर आदमी को कामयाबी का यकीन हो जाएगा और दुनिया की भी कामयाबी इसी में आदमी ईमान बढ़ा, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करे। कामयाबी का रास्ता यही है कि आदमी हुक्म पूरे करता रहे, नाफरमानी न करे, इस वजूद को, इस जिस्म को उन कामों में इस्तेमाल करें जिन कामों पर अल्लाह ने इस्तेमाल करने को कहा, उसकी इबादत करें। इबादत के वास्ते वजूद दिया है हमको अल्लाह ने, पैदा ही इसलिए किया है कि जिस्म जो दिया है जब तक जान में जान बाकी है वहां तक इबादत करता रहे, नमाज पढ़े, रमजान में रोजे रखे। अल्लाह ने माल दिया है तो माल की इबादत ज़कात अदा करें, और माल दिया है तो माल की इबादत है हज करें, और 24 घंटे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार जैसे अल्लाह चाहता, 24 घंटे एक पल चपकने के लिए भी अपने नफ्स के हवाले न हो जाए, जैसे ड्राइवर पल चपकने के बराबर भी अपने नफ्स के हवाले हो गया और फिर एक जोड़ा मार दिया, अच्छी तरह चला रहा 10 घंटे, एक मरतबा थोड़े देर काफिल हो गए, कितना बड़ा नुकसान करता है। ऐसे ही जो इंसान थोड़ी देर के लिए भी नफ्स के हवाले होता है, इसलिए हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ तालीम की उम्मत को और उसमें इससे पना मांगी कि थोड़ी देर के लिए भी मैं अपने नफ्स के हवाले न हो जाऊँ, अल्लाह मुझे पल चपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले न कर दे। और फिर 24 घंटे नफ्स के हवाले हो उसका क्या होगा, वहां तो पल चपकने के बराबर नफ्स के हवाले होने से इबादत मांग जाए, अल्लाह पल चपकने के बराबर थोड़ी देर के लिए भी मैं अपने नफ्स के हवाले न रहूं बल्कि तेरे हवाले रहूं, अल्लाह की इबादत करता रहूं, जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उन चीजों से बचा रहूं, जो ईमान का तकाजा है। आदमी ईमानी ताकत की वजह से इबादत पर कायम रहता है, ईमानी ताकत की वजह से आदमी गुनाहों से बचता है। इसलिए उम्मत का एक तरफा है उसके पास इतना ईमान है कि वो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन गुनाहों से बचने का ईमान नहीं होता। हजारों नौजवान ऐसे मिले जिनमें आते हैं पाबंदी से, पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन जब बाहर माहौल में जाते हैं तो गुनाह करते हैं। तो इबादत करने जितना ईमान इतनी ताकत, इतनी ताकत में इबादत करें लेकिन नुकसान से बचने की ताकत नहीं, नुकसान से बचने की ताकत। तो वो ताकत दिल के अंदर पैदा होगी, जितना ईमान अंदर उतरेगा, कलमा जितना दिल के अंदर रासिब होगा उसके बकदर आदमी नेकी भी करेगा गुनाह से बचेगा, और जितना ईमान कमजोर होगा उतना आदमी नेकी के रास्ते पर भी कमजोर होगा, कि चार टाइम भी पड़ेगा फजर पे नहीं, इतना कमजोर ईमान, नमाज पढ़ता है रोजे में रखे जाते हैं, ये कमजोरी है ईमान, कमजोरी है ईमान। जैसे बाजे लोगों का मैदा कमजोर है, उसको बीमारी, आदमी चावल खा सकता है, रोटी हजम नहीं कर पा, दाल हजम कर लेता है, गोश्त हजम नहीं होता, सब्जी हजम कर जाता है, मछली हजम नहीं होती, वो मैदा कमजोर है। ऐसे जब ईमानी पावर कमजोर होता है तो आदमी नमाज पढ़ता है रोजे नहीं रखता, चार वक्त की पढ़ता है फजर भी नहीं आ पाता, इतनी अभी कमजोरी में इबादत आदमी करता है गुनाह से नहीं बच पाता, आदमी इबादत करता है झूठ से नहीं बचता दुकान पर, ये भी ईमान की ईमान का जौक है। इसलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुबारक मेहनत में उम्मत के तमाम अफराद को इसकी दावत दी कि हर आदमी मेहनत करके अपना ईमान बढ़ाए,
اور ایک آدمی جو نمازی ہے وہ بھی ایمان مکمل کرے, روزہ رکھنے والا بھی ایمان پر محنت کرے, عبادت کرنے والا بھی ایمان پر محنت کرے, حج کرنے والا بھی ایمان پر محنت کرے, زکات دینے والا بھی ایمان پر محنت کر کے اس کو اور مضبوط کرے تاکہ 100% دین پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے وہ پورے دین پر چلنے کا کیا ہے. کلام پاک میں اللہ نے رجال محمد وعالی کو ارشاد فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اور ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یہ ایمان والوں سے خطاب ہے, یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں, پورے طرح پورے اسلام کو اپنی زندگی میں دیکھ. اس میں عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج, صدقہ, خیرات, اس میں معاملات ہیں, لیوڑ دیوڑ معاملات میں سچائی, امانتداری, حرام سے پرہیز, اس میں معاشرت ہے, گھریلو زندگی, خاندانی زندگی, اس میں اخلاق ہیں, آدمی کے اخلاق, لوگوں کے ساتھ کا برتاؤ, ویوہار, لوگوں کے ساتھ بول چال, بولنے میں اور ویوہار میں تمیز, یہ ساری چیزیں اندر ہیں اور عبادت میں بھی اس میں. یہ پانچ شعبے ہیں, ایمانیہ, دل کے عقیدے سے ہی آدمی دل سے اللہ پر نظر, اللہ ہی کو کرتا کرتا سمجھے, اللہ کے رسولوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو سچا تسلیم کرے, اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے, قیامت کا دن حق اور اس دن حساب کتاب, تقدیر پر ایمان لائے, جس کا تعلق ہے اسے تقدیر پر ایمان لائے, جو کچھ ہوتا ہے کون کرتا ہے, بولو اچھا ہوا تو کس نے کیا اور برا ہوا تو مجھے اللہ کرتا ہے, اب اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف کرتا ہے, برا ہوتا ہے تو بھی نے کیا, بچوں نے کیا, بچے کہتا ابا نے ایسا کیا, پارٹنر کہتا ایک پارٹنر نے ایسا کیا, جو کچھ ہوتا ہے کون کرتا ہے, والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, اچھا اور برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے کون کر رہا ہے, ہاں اس کا سبب کوئی بن سکتا ہے, اس کا سبب کوئی بن سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حدود قصاص رکھے ہیں, اس کی سزائیں متعین کی, ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی ہوگا, لکھا ہوا ہے جو ہمیں راحت اور خیر مل رہی ہے وہ اللہ کے وہاں لکھی ہوئی ہے, اور جو شر پہنچ رہی ہے وہ بھی اللہ کے وہاں لکھی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حالتوں میں خیر پہنچ رہی ہے تو اس میں شکر کا مطالبہ کیا ہے, شکر گزار بن کے رہو, اتراؤ مت, اللہ تعالیٰ کسی کو خیر دے دے, بھلائی دے دے, اور قسم کی بھلائی ہوتی ہے, کسی کو اولاد دی, کسی کو مال دیا, کسی کو زمین جائیداد دی, کسی کو تندرستی دی, کسی کو آوڑت اور عقل دی ہے, اور بہت سی نعمتیں ہیں, تو ان نعمتوں میں آپ کی شکر گزار بنے, اللہ تعالیٰ کا شکر تو نے کیا, تو نے کیا, بار بار اس کو یاد کریں اور ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی پر استعمال کریں تو شکر گزاری ہے. اور کسی پر کوئی آفت ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, غم ہے, مال میں, اسباب میں, اولاد میں, ذات میں, تو وہ صبر کریں,
ये क्या करें, अल्लाह से करें। जो अच्छा है वो भी किसकी तरफ से है, और अच्छे पर शुक्र है। और अगर कोई तकलीफ आफत मुसीबत है तो उस पर सब्र है, लेकिन है अल्लाह की तरफ से, तो इस पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मक्का के काफिरों ने इस पर इशारा किया, कैसे जिंदा होंगे दोबारा मरने के जाने के बाद। काफिरों ने इशारा किया, मट्टी बन जाएंगे, मर के कब्र में चले गए, मट्टी हो गए, दोबारा कैसे जिंदा। कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मरे। अल्लाह ताला ने कहा कि सुन रहा हूं कि तुम पहले तो कुछ भी थे नहीं, तुम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने बनाया, पहले हम कुछ थे, हमारा कोई सैंपल था दुनिया तो कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने पैदा किया, अब तो हम हैं, एक नमूना है। वो नमूने के खत्म होने के बाद अब दोबारा बनाना और ज्यादा आसान है, पहले जब कुछ नहीं थे तो बना डाला, वो उसके लिए मुश्किल नहीं था, अब तो हमारा एक सैंपल है, जो सैंपल मरेगा खत्म होगा तो फिर दोबारा उसका बनाना अल्लाह के लिए बहुत आसान, इसका ताल्लुक दिल से है। मौत के बाद दोबारा जिंदगी, और वो जिंदगी हमेशा की कभी खत्म नहीं हो। माँ के पेट की जिंदगी 9 महीने, वहां रुफा गया अपनी जगह पर रकम में, वहां से लेकर बाहर आने की जो मुद्दत आखिरी है वो 9 महीने में, जूस केस ऐसे होते हैं जो 9 महीने से ज्यादा अंदर होते, बाकी 9 महीने पूरे होते होते विलादत हो जाए। वो हमारी एक उम्र थी वहां, फिर वहां से हम दुनिया में आए तो यहां हमारे उम्र अमूमन 60 से 70 के बीच में। मेरे उम्र की उम्र है 60 और 70 के बीच में, इसलिए ज्यादातर लोग 60-70 के बीच में चले गए। एक जिंदगी है, और तीसरी जिंदगी जो हमारी आखिरत की है, वो जिंदगी में कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं, लामहदूद है। मर के आदमी फना नहीं हो जाए, मर के आदमी खत्म नहीं होता, बल्कि नई जिंदगी शुरू होती है, और वैसी जिंदगी है जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। यहां अल्लाह ताला ने जो हमको मौका दिया है, ये इसीलिए दिया कि हम आगे की जिंदगी की यहां तैयारी करें। मां के पेट पर मुकल्लफ नहीं किया, मां दुनिया की तैयारी, वहां तो जिस्म बनना था वो अल्लाह के पास, मां के जिम्मे किया था बाप, अल्लाह ने अपनी कुदरत से जिस्म बनाया वहां, फिर दुनिया में भेज कर नशोनमा किया, और जब तक छोटे थे वहां तक मुकल्लफ नहीं किया, नमाज रोजे फर्ज नहीं किए बच्चे थे वहां तक, जब बड़े हुए होश संभाला बाले हुए, उस दिन से लेकर अल्लाह ताला ने हमको मुकल्लफ किया, यानी हमारी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे रखी कि अब तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम करके और खातिमुन नबियीन तस्लीम करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पर आपके मुबारक तरीके पर जिंदगी गुजारो, इसका हमको हुक्म दिया गया है। अगर हम वो करते हैं तो हम फरमा बरदार हैं, और वो नहीं करते तो हम नाफरमान हैं। उस मुताबिक करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, और कब्र में भी अल्लाह कब्र को अच्छी कर देगा, और आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी अल्लाह बना देगा। ये तीनों चीजों का दारोमदार हमारे दीन पर, इसलिए कामयाबी का असल ताल्लुक दीन के साथ, और दीन तरीके हयात दीन जो है वो जिंदगी गुजारने का वो तरीका है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो दीन मर्जी का नाम दीन नहीं, या हमारे कौम समाज के तरीकों का नाम दीन नहीं, अगर वो दीन के मुताबिक हो तो ठीक है,
गलतियों के मुताबिक अकबर आ जाएंगे, लेकिन अगर वो दीन के मुताबिक नहीं है तो बेदी नहीं, उस पर कामयाबी नहीं। तो सबको इस बात का हुक्म दिया गया कि दीन पर जिंदगी गुजारना, और दीन पर जिंदगी गुजारने के लिए दीन को सीखना है, उसको सीखना है, उसको अच्छी तरह से समझना है, ये हमारे जिम्मे है। हर एक मर्द औरत के जिम्मे है अपने दीन को सीखें, दीन के एक एक अमल को आदमी सीखे और फिर उस मुताबिक जिंदगी गुजार। हर आदमी किसी न किसी तरीके पर जी रहा, कोई ऐसा नहीं है जो कोई तरीके पर नहीं जीता, और हर आदमी अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हुजूर वाले तरीके पर आ जाएंगे और अपने जिस्म का इस्तेमाल सही कर लेंगे तो उसमें जिस्म की भी राहत है, दिल की भी राहत है, और जिंदगी के सारे काम तरीके पर तरतीब के साथ होंगे तो हमारे जरिए से दूसरों को भी राहत। अगर अपनी मर्जी से चलते रहे तो न दिल को राहत मिलेगी, न जिस्म को मिलेगी, और न हमारे जरिए दूसरों को राहत मिलेगी। इसलिए आप अली सलाम वाला मुबारक तरीका दीन उसी को जिंदगी में दाखिल करना, उसकी मश्क करनी है। इस वक्त हमने दीन पर चलने की मश्क नहीं की, इसलिए मुश्किल लग रहा। दीन उम्मत के लिए क्यों मुश्किल है? चलना सीखा नहीं। 8 साल के लड़के ने साइकिल चलाना सीखा है, उसके लिए आसान है, दिन भर चलाता रहे थकता ही नहीं। दिन बच्चों को रोकना पड़ता है, सुबह जाना धूप तो चलाना ड्राइविंग आदमी ने सीखी है, 500 किलोमीटर तक चला था, उसको कहीं कहीं थोड़ी देर नहीं कोई बात नहीं चला हुआ आपसे लेकर मैं चला नहीं तो आराम से बैठ मैं चला 500 किलोमीटर जाकर चला वापसी में भी 500 चला। उसने गाड़ी चलाना सीखा, बिना तकल्लुफ चलाता, हाँ बातें करता जाता है, मान खाता जाता है, मोबाइल पर बात करता जाता है, अरे गर्दन और गाड़ी भी चल रही। उसने गाड़ी चलाना सीखा, ऐसे जिसने दीन पर चलना सीखा है उसके लिए दीन मुश्किल नहीं। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, सच बोलना, खिदमत करना, अल्लाह की याद में लगना, दुआ मांगना, अल्लाह के बंदों को खैर की भलाई की नसीहत करना, सारे काम आसान, कोई मुश्किल नहीं उसकी। कल के और मांगेगा और कोई है अल्लाह जी ने मंदिर फरस के अलावा नमले पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, किताब पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। फराइज के अलावा जितने फराइज हैं, फराइज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा दूसरे काम करते हैं। उन्होंने सीखा सच बोलते हैं, सच बोलना आसान है, झूठ बोलना मुश्किल है, लेकिन चूंकि हमने मश्क कर रखी है झूठ बोलने बचपन से, छोटे थे तब से माँ बाप के सामने बोलते थे, तो बचपन से झूठ बोलने की मशक रखी है, तो अभी सच बोलना मुश्किल लग रहा। एक ग्रुप में से जमात काम करके आए अभी 2 साल पहले, तो उनकी कारगुजारी, उन्होंने सारी कारगुजारी के बाद कुछ चीजें उस ग्रुप की बताई, तो उस ग्रुप में झूठ नहीं है, अलग एक दूसरे को काम करते सलमान भी है, लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलमान नहीं है, वहां पर झूठ नहीं है, वहां चोरी नहीं है। बाहर आदमी बाइक पर अपना हेलमेट रखता है, वो हेलमेट में मोबाइल, चश्मा, घड़ी सारा लटका के मस्जिद में आ जाता है, आधा पौना घंटा घंटा जितनी देर उसको मस्जिद पे रहना है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, सारा, फिर बाहर जाकर अपना हेलमेट उठाता है, अंदर चश्मा पहनता है, घड़ी लगाता है, मोबाइल जेब में रखता है, चला जाता है, उसके सामान की कोई चोरी नहीं करता, और वहां झूठ नहीं है। और उसने मिसाल दी साथी जो उनके सामने वहां किस्सा पेश आया, कि वहां एक आदमी किसी और मुल्क का है, उसने मकामी औरत से शादी की, उस आदमी से कोई गलती हो गई, इसके उस गलती की वजह से उस पर केस दर्ज हो गया, मुकदमा हो गया कोर्ट, और उसको सजा होने वाली, तो
उसका गवाह के तौर पर अपने बीवी को तैयार किया, तो इसने काम गलत काम नहीं किया है ऐसा कोर्ट में जाकर बोल देना। उसकी बीवी को पढ़ा कर अच्छी तरह से समझा कर ले गया वहां, लेकिन वहां जज ने जब उसको पूछा गवाह को, तो उसने सच बात बता दी जो हुआ था वही कह दिया। तो उसकी बीवी उसको बात कर लोगों ने पूछा तेरे शोहर को सजा हो रही है, बोले मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, मुझे झूठ बोलना क्योंकि झूठ बोलना सीखा, शोहर को सजा हो गई लेकिन वो झूठ नहीं बोल सही नहीं है तो कैसे बोल रहे झूठ बोलना आता ही नहीं, और यहाँ सच बोलना नहीं आता है क्योंकि बचपन से उसकी मशक है, मजाक मजाक में झूठ बोले, अम्मी के साथ झूठ बोले, अब्बा के साथ झूठ बोले, मदरसे में गए तो मौलाना को झूठ बोले, पेट टूटता था उठता नहीं था, तो वो बोलते 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 झूठ बोलने की ऐसी मशक हो गई है कि सच बोलना मुश्किल लग रहा है। व्यापारियों को झूठ बोलने की मशक हो गई तो उनको सच बोलना मुश्किल, दीन में सच बोलने की मशक है, अपनी सच बोले झूठ न बोले, धोखा न दे, बदन न करे, अल्लाह के गैर की परस्तिश न करे, किसी को परेशान न करे, ये दीन है। जब ये दीन की मश्क करेंगे तो फिर दीन पर चलना आसान हो जाएगा। जिन लोगों ने मश्क कर ली, हम सहाबा के किस्से सुनते हैं कि जाहिलियत के दौर में उनके पास दीन नहीं था, तो अल्लाह के गैर की इबादत करते थे, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, 360 उनके बुद्ध उनकी इबादत करते, और माशरे में ईमान न होने की वजह से जो खराबियां जन्म लेती हैं वो तो खराबियां थी वहां, लेकिन जब उन्होंने ईमान का कलमा पढ़ा और दिल से दीन पर चलने की नीयत कर ली, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है और दीन पर चलना है, तो फिर कुतरी बुराइयां जाहिलियत के दौर में उनके अंदर थी वो सारी बुराइयां खत्म हो, अल्लाह के गैर के बजाय वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन गए। जहां उनके अंदर जुल्म झूठ और दीगर किस्म की बुराइयां थी वो सारी खत्म होकर वो ऐसे लोग बन गए कि उनके बारे में कहा गया उलाइका खैरुल बरिया, कि जमीन पर बसने वालों में सबसे अफजल लोग यही, उनका मुआशरा सारे किस्म की बुराइयों से पाक होगा, सबने इसकी मशक की, लेकिन उसमें इन सारी चीजों पर ताकत पहुंचाने वाली जो चीज है वो असल ईमान है। जितना ईमान में कमाल पैदा होगा उतना इबादत में मजा आएगा, उतना अच्छे कामों में मजा आएगा, बुराइयों से नफरत हो जाएगी, लायानी से नफरत हो जाएगी, झूठ से, सूद से, दीपत से, हसद से, जब अंदर ईमान आएगा तो सारी बुराई खत्म हो जाएगी, और जब दिल में ईमान नहीं होगा तो सारी चीजें रहेंगी। जैसे घर में आप भी कब जाते हैं तो फिर उस घर में कीड़े मकोड़े नहीं बसते, निकल जाते हैं, और आदमी नहीं रहता घर में लॉक करके बाहर से रखा है तो अंदर फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बस जाता है। ऐसे जब ईमान दिल के अंदर उतर जाता है तो सारा फसाद निकल जाता है, नफाक खत्म हो जाता है, कुफ्र निकलता है, शिर्क निकल जाता है, और दीगर जितने सारी बीमारियां सब निकल जाती, दिल पाक हो गया। अब ईमान अंदर आया तो अब जिस्म के आजाद से ईमान जाहिर होता है, अंदर ईमान है तो आजाद से ईमान जाहिर होता है, आदमी के हाथों से, आंखों से, कान से, जबान से, जबान से ईमान वाले बोल निकलेंगे, अल्लाह करता है, अल्लाह मिलाता है, अल्लाह पालता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी है, दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, मौत के बाद असल जिंदगी है, आदमी के बोल ऐसे हो गए, अंदर ईमान, आदमी ईमान की बातें करता है, अमाल की बात करता है, नमाज की, रोजे की, ज़कात की, हज की, अखलाक की, अल्लाह की इबादत की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की इत्तिबा की बात करें, जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, बर्तन में जो होता है वही निकलता है, केतली में पानी भरे चाय की केतली में पानी भरे तो क्या निकलेगा, बस बोलो पानी निकलेगा चाय निकलेगी, अरे चाय की केतली है फिर भी पानी निकलेगा, क्यों पानी निकलता है, अंदर पानी भरा हुआ,
अगर चाय की केतली में दूध भरे तो अंदर से क्या निकलेगा? अंदर दूध भरा हो। ऐसे चाहे जिसम कैसा भी हो, लेकिन अंदर अगर ईमान है तो हाथ से, जबान से, कान से, दिमाग से ईमान निकलेगा। तो चाहे मुसलमान है लेकिन अंदर ईमान नहीं, जो जिसम के आजाद से वही निकलेगा। तो अंदर निफाक है तो निफाक निकलेगा। अंदर कुफर है तो आपके कुफर बकेगा। अंदर शिर्क है तो आपकी शिर्किया कलिमात बोलेगा। अंदर झूठ है तो झूठ निकलेगा। अंदर फसाद है तो फसाद निकलेगा। इसलिए हमें अंदर बनाना है। अंदर तो दिल की दुनिया ठीक हो जाए, ईमान अंदर वासिल हो जाए और ऐसा अंदर ईमान बन जाए कि अल्लाह का हुक्म हर हाल में हमारे लिए आसान हो जाए। सख्त गर्मी में रोजा रखना आसान हो जाए। अल्लाह का हुक्म है, सख्त गर्मी है लेकिन अल्लाह का हुक्म इसलिए रखते हैं। गर्मियों की छोटी रात में भी फजर आसान हो जाए, हमारे अल्लाह का हुक्म। सर्दियों में भी फजर आसान हो जाए, चाहे कितनी सर्दी हो रही हो, लेकिन अजान हो गई तो आदमी सर्दी से नहीं घबराएगा, अल्लाह से डरेगा कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। कारोबार में चाहे घाटा हो रहा होगा लेकिन आदमी सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कि झूठ बोलना मना, झूठ बोलने की इजाजत नहीं। इसका ताल्लुक ईमान से, इसलिए ईमान सीखने को कहा। हमने जो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ईमान का कलमा है, वो ईमान का कलमा है। उस कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखना, कलमे के मुताबिक हमारी जिंदगी हो जाए। 24 घंटे कलमे के मुताबिक गुजरे, सुबह शाम रात दिन, फिर सारी इबादतें और लोगों के साथ के मामलात, माशरत, अखलाक, सारी चीजें ऐसी आसान हो जाए, अपने आप सारा हो जाए। तो तकल्लुफ इब्तिदा में करना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा। बहुत चीजें मैं झूठ बोलता हूँ, 5 रुपए की चीज 15 में जा रही, झूठ बोलता हूँ, और सच बोलता हूँ तो 10 में जा रही, तो उस सब दूर लगाना पड़ेगा। इम्तिहान होगा, कश्मकश होगी, लेकिन आदमी जब कहने भाई 10 में कम नफा होगा, लेकिन सच बोला धीरे 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 सच बोलने की मशहूर हो जाएगी। फिर आदमी जिंदगी में झूठ नहीं, झूठ से नफरत हो जाएगी, सिना से नफरत हो जाएगी। अगर गलत नजर उठ रही है फौरन अल्लाह की तरफ, ये मेरा आंख गलत उठाना मेरे लिए कितना नुकसान है, चाहे मुझे कोई नहीं देखता लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। आपके अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखता लेकिन अल्लाह की न सोने वाली आंखें मुझे देख रही है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 10 दिन आपकी ने मशक की, ईमान का तकाजा है कि आपके गुनाह से बचा है। कोशिश की आदमी ने और उसको मशक हो जाएगी। अब आदमी रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में गलत नहीं देगा, हर हाल में खैर पर जाएगा, डरेगा अल्लाह से। जो आदमी को गुनाह से बचाने वाली ताकत है वो अल्लाह का डर है, वो ईमान का हिस्सा है। आदमी अल्लाह से डर है, लोगों की मरामत से डरता है, 12-15 साल के बच्चे से डरता है तो गलत काम नहीं करता, किसी को कह देगा। और इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह जो हर वक्त हमें देख रहा है, आदमी उससे नहीं डरता। किसी की बुराई आदमी करता है, इधर उधर देखता है, कोई 10-12 साल का बच्चा भी है तो बुराई नहीं करता, क्योंकि जाकर कह देगा उसकी माँ को, उसके बाप का बच्चा है, आदमी गलत बोलता नहीं, खुद हो जाता है। और जाओ बच्चा चला गया फिर बोलता है, तभी अल्लाह का ध्यान नहीं कि अल्लाह वो अल्लाह जो हमेशा हर वक्त हमारी हर चीज को सुनता है। हम सर्वोच्च करते हैं, कान में किसी को कहते हो भी अल्लाह सुनता है। दो आदमी बात करते हैं तो तीसरा अल्लाह मौजूद है, तीन है तो चौथा अल्लाह है, चार है तो पांचवा अल्लाह है, जो हर वक्त मौजूद है। ईमान जब बनेगा तो फिर आदमी तन्हाई में भी गुजारने लगेगा। इसलिए हर उम्मती से इसका तकाज़ा है कि ईमान बनाओ। ईमान के बाद फिर इबादत बनाओ। इबादत हमारा मनसब पर में मनसबी है, जिंदगी में हमारा काम हो, हमारा कारोबार कहो, हमारा धंधा कहो, वही अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिन्नात को इंसान को
अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। हमारी जिंदगी का मकसद ही इबादत है, और कोई काम नहीं है हमारा, कोई काम दूसरा नहीं। मकसद है जिंदगी इबादत। और अगर जो जरूरतें हमारे साथ रखी हैं, उन जरूरतों को अगर हुजूर के तरीके पर पूरा कर दे तो वो भी इबादत। नमाज, रोजा, ज़कात है जो फराइज़ है, उनके अलावा आदमी बहुत सारे काम करता है जो जरूरियात से, जैसे आदमी कमाने जाता है, तो अगर हुजूर के तरीके पर कमाएगा तो कमाना भी क्या हो जाएगा, इबादत। आपके तरीके पर खाना खाएगा तो खाना भी इबादत। आपके मुबारक तरीके पर आराम करे तो आराम करना भी इबादत। आपके मुबारक तरीके पर शादी करे तो शादी करना भी इबादत। आपके तरीके पर तीन बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे तो उनके साथ रहना भी इबादत। सारे काम इबादत में है, इसीलिए पैदा किया गया आदमी इबादत में रहे हर वक्त। अपने खाने पीने को भी दुनिया में बना, मुसलमान का तो हर काम थी, लेकिन लोगों ने तकसीम कर दी, लोगों ने तकसीम कर, और बारे से काम तो दुनिया का हो, इन पर अमल नहीं करना है, ऐसा बहाना निकाल दो दुनियादार हो, फखर से आदमी कहता है। हालांकि मुसलमान दुनियादार नहीं होगा, मुसलमान तो दीनदार होता है, मुसलमान दुनियादार नहीं होता कभी, मुसलमान दीनदार होता है। दुनिया में वो रहता है और दुनिया इस्तेमाल करता है, लेकिन जिस दुनिया को वो इस्तेमाल करेगा उसको भी दीन बना देगा। मुसलमान दुनिया में रहकर जो माल इस्तेमाल करेगा उस माल को भी दीन बना देगा, जो दुकान इस्तेमाल करेगा उसको भी दीन बना देगा, जो खाना खाएगा उसको भी दीन बना देगा। मुसलमान दुनियादार नहीं होगा, तिजारत करेगा तो तिजारत को भी क्या बना देगा, दीन बना देगा। सच्चाई से करेगा, अमानतदारी से करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता जुदु सदुकु अमीन मान नबीजी व सिद्दीकी व शुहदाए व सालिहीन, कि सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाए। ईमानदारी से, सच्चाई से धंधा करते करते आदमी कहाँ चला जाएगा, नबियों के साथ उठ जाएगा, और अगर दुनियादार बन गए तो पकड़ा जाएगा, दुनिया में भी पकड़ा जाएगा, आखिरत में भी पकड़ा जाएगा। आदमी कारोबार करें, कभी करें, किसी का मोहताज रहे, बल्कि देने वाला बने, आदमी अपना धंधा खुद करें और अपना खर्चा खुद उठा, अपने बीवी बच्चों पर खर्चा करें। नबी के पास कहता है, बेहतरीन सदका वो है जो अपने अहल वयाल पर खर्च किया, सबसे अच्छा सदका वो है जो आदमी अपने बीवी बच्चों को देता है हर महीने 20,000 रुपए जो देते हैं, तो वो सबसे अच्छा सदका है जिसका सवाब मिलेगा। लेकिन आदमी ये नियत करके दो तब मिले सवाब मिले, इस नियत से दे, इस एहतिसाब के साथ दे कि मैं जो खर्चा दे रहा हूँ, चाहे महीने का इकट्ठा देता हूँ या रोजाना 500 रुपए 1,000 रुपए आदमी देता है घर के खर्चे में, अगर इस नियत के इस ध्यान से दे कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जो खर्चा करता हूँ मेरे बच्चों पर ये बेहतरीन सदका है, तो सदके का सवाब मिलेगा और खर्चा करना भी बन जाएगा, इस पर अजर मिल जाएगा। ऐसे हर हर काम, हर हर काम आदमी लोगों के दोस्तों के साथ ताल्लुक बनाता है, अगर आपने अच्छी नीयत से ताल्लुक बनाता है, ये मेरे मुसलमान भाई है, मैं इनके खुशी गमी में काम आ जाऊँ, मैं इनको खैर की तरफ ले आऊँ, इनके साथ अमर बिलमारूफ और नहीं मुनकर करूँ, तो ये ताल्लुक बनाना भी आदमी का दीन बन जाए। और अगर ताल्लुक बनाया ख्वाहिशें पूरी करने के वास्ते, ठट्ठा मजाक करने के वास्ते, तो फिर ये ताल्लुक बवाल बन जाए। जैसे लोग बैठकों पर बैठते हैं, दो आदमी, पांच आदमी, सात आदमी, दस आदमी, यहाँ बैठे वहां बैठे, पूछे क्या नियत है बैठने, क्यों बैठते हैं, अगर डरता ही के वास्ते है तो भाई हमें दूसरों के सरफा बने, मददगार बने, हमदर्दी करें, दरबारी करें, तो ये आदमी के लिए फैसला कर दिया होगा, वो बैठना खैर से खाली नहीं होगा। और अगर वो नहीं, वो सारे टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, तो ये सारा बवाल बन जाएगा, सारा बवाल बन जाएगा। तो इसलिए मुसलमान दुनियादार नहीं होगा,
مسلمان دیندار ہوتا ہے. یہ تجارت کرتے کرتے بہت بڑا تاجر بنتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے مالدار. روزانہ کا ٹرن اوور کروڑوں میں تھا ان کا آخری وقت, روزانہ کا ٹرن اوور. لیکن وہ حضور نے فرمایا کہ عبد الرحمن کی جنت, دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. پہلے عثمان بہت بڑے تاجر, لیکن دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی اور امیر المومنین بنے. تاجر بھی تھے, امیر المومنین بنے. کتنی بڑی حکومت چلائی ہے حضور عثمان نے. ان کے زمانے میں بہت کچھ ہوا حضرت عمر کے بعد, حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا. بڑی فتوحات کی ہوئی ان کے 6 سال میں پہلے, اور حضور نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ جنتی. تو مسلمان دیندار ہوتا ہر حال میں, اپنی دیندار کرے, نمازوں کی پابندی کرے, اللہ سے جڑا رہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے, بھلائی کا ارادہ کرے, کسی سے برائی کا ارادہ نہ ہو, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے. آدمی تھوڑی سی چوک کی وجہ سے آدمی بھلائی کرتے بھی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, نیت کی وجہ سے. اپنی نیت صاف ستھری رکھنا, اب جو اچھا کرے گا اس کا اچھا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے, اچھے کا نتیجہ. جو برا کرے گا وہ بھوکے گا, ہم جو موقع ٹینشن نہیں تمہارے اوپر بیوی ہماری ماں کہتی ہے, وہ بھی اگر بغاوت کرے تو اس کو ہم ڈنڈا نہیں مار سکتے.
వెళ్ళడానికి ఇంకొంచెం అనుభవం లేదు. ఎందుకంటే మోషరాలి బోజే మంది आदमी को कोई मसला पैदा होता है तो उसी तरफ जाता है,
दिल बर्दाश्त होता है ना, आपकी तो प्राण बना लेता है, दुनिया में जाता है। इतना लिखा हुआ भगवान ने, इतना ही भैया वहां आपका अनुसार अगले से दुनिया ने रिश्ता आए, वहां जाकर आपके बेहतरीन तरवी गुरु से बात की। उन्होंने बेहतरीन सुलूक किया, बहुत बड़ा सुलूक किया, लेकिन आपने उनके फिर भी उनका कुछ नहीं लिया, बल्कि आपने जो दुआ मांगी है वो दुआ के कलेमात में है, अल्लाहुम्मा अश्कुर लक कुव्वत, कि अल्लाह अपने कुव्वत की कमजोरी की शिकायत दो, किल्लत नदी और अपने हीले की तदबीर की कमी की शिकायत करो। हालांकि आपने बेहतरीन तरीका इख्तियार किया कि सरदारों से जाकर मुलाकात की, उनका जहन बनाने की कोशिश की, ये लोग अगर कबूल कर लेंगे तो उनके फॉर्म एक साथ आ जाए। और फिर उन्होंने ऐसा आपके साथ शुरू किया, इतना बुरा बर्ताव किया कि शायद किसी नबी के साथ ऐसा बर्ताव हो, आपको छुटकारा निकाल दिया अपने वहां से, सिर्फ निकाला नहीं बल्कि बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया। और एक रिवायत में तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकल रहे थे ताइफ से तो रास्ते के दोनों तरफ बच्चे औरतें और मर्दों की लाइन लग गई, और एक पत्थर इधर से पड़ता, एक पत्थर इधर से आता, एक पत्थर इधर से आता, एक आपका कोई कदम उठता था जमीन से, दोबारा जमीन पर पड़ने से पहले आपके जिस्म में अधर पर कोई पत्थर पड़ता और आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, इतना खून निकला कि आपकी जूतियां चिपक गई बलवों के साथ, इतना बुरा बर्ताव किया आपको। लेकिन जब आपको थोड़ी सी पनाह की जगह मिले तो वहां जाकर ये दुआ करना, और जब फरिश्ता आया आपके पास अगर आपका वो तो अक्षमय को मिला दे, यानी दो पहाड़ों को ऐसे मिला दे बीच में सबका कसूर बता रहा, तो आप इस्लाम ने कहा है कि ऐसा नहीं करना, अगर ये नहीं तो इनकी औलादों में अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करेंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। और वहां बाप में जाकर बैठे आपके पास वो आए, गुलाम लेकर उठे, हिदायत मांगे कि अल्लाह हमें भी हिदायत,
और अपने सारे बंदों को हिदायत दे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह सबको हिदायत इन अपने आप को थकावे एक एक के पीछे। कोई आदमी अल्लाह की जमीन पर बगावत के साथ जिंदगी न गुजारे, अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह का इबादत गुजार बने, जवान भी बूढ़े भी मर्द भी औरतें भी, और इसके बदले में किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं चाहते, न मान चाहते हैं, न पैसा चाहते हैं, न खाना चाहते हैं, न वाहवा चाहते हैं, न किराया चाहते हैं, किसी से कुछ नहीं चाहते। जो हम देंगे अल्लाह से देंगे, हम भिखारी और हम मांगेंगे, लेकिन किससे मांगेंगे? अल्लाह के दर के भिखारी हैं, किसी से हमारी जरूरत है बहुत होते हैं, सब बड़े कम फरिश्ते हैं, ठीक है भाई, हमकी मोहताज है, जरूरत है, इस वजह से मांगते हैं भाई, जरूरत है, हम बेकार ही नहीं फकीर हैं, फरिश्ते नहीं है, इंसान है, तो मांगेंगे किससे मांगेंगे? उन्होंने भाई अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह हमें रोजी दे दे, या अल्लाह हमारी हाजतें पूरी कर दे, या अल्लाह हमें सेहत कुवत दे दे, खाना नहीं या अल्लाह हमें खाना दे दे। मूसा अलैहि सलाम फकीर बन के पहुंचे थे मदीन में, मदीन पहुंचे वहां से मिस्र से कॉन्टेक्ट हुए, मिस्र फिरौन की हुकूमत में नाम आ गया उनका कि भाई को पकड़ो, एक चुप्पी को बदल किया उन्होंने, से हो गया था, वहां से निकलना पड़ा उनको मदीन की तरफ, मदीन जाकर दर के छोटे से एक दरख्त था उसके सहारे जाकर क्या कहा मूसा अलैहि सलाम ने, रब्बी ऊपर फरियाद लिखवा दी, फकीर आया है बस्ती में कटोरा लेकर नहीं घूम, तो कैसा मूसा फिर उन्होंने ऊपर फरियाद लिखवा दी, ऊपर फरियाद, या अल्लाह मुसाफिर पहुंचा हूं, फकीर हूं, मेरी मदद कर दे। तो अल्लाह ने मदद की नुसरत का दरवाजा खोला, कुदरत ने खोल दिया, अल्लाह की कुदरत, अजनबी आदमी कोई जान पहचान नहीं वहां, अल्लाह ने उनके दिल में बात की डाली, वो जो दो लड़कियां पानी भरने आई हैं वो बिचारी बहुत देर से इंतजार में है और मर्द भर रहे हैं बिचारी रूप में खड़ी है, तुम जाके मदद कर दो। तो मूसा अलैहि सलाम ने जाकर मदद, कोई गरज नहीं थी मूसा अलैहि सलाम, कोई गरज नहीं, खाली इतना था कि बिचारी बहुत देर से खड़ी है, इनकी मदद करो, अल्लाह के लिए था काम, अल्लाह के लिए जब काम होता है तो फिर अल्लाह दरवाजे खोलता है, मुतवज्जे हुए काम अल्लाह की तरफ और मखलूक की खिदमत में लगे, ये हमारा काम है, हम मखलूक की खिदमत करें, तो बदला किससे लेंगे? अल्लाह बदले का इंतजाम करेगा। मूसा अलैहि सलाम ने पानी भर दिया, चल चले गए, इस समय तो हो गया, मूसा अलैहि सलाम को कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने घर जाकर उनके अब्बा हजरत शुएब अलैहि सलाम ने देखा, शायद बहुत जल्दी आ गई और लड़की हमारी गुजार तो बहुत देर लगती है, तो पूछा कि बेटा क्या वजह है? बहुत जल्दी आ गए, कहा कि कोई नौजवान मनोहर था, बहुत अच्छा हमारा दार लड़का था, उसने हमें देखा कि हम धूप में खड़ी हैं तो उसने पानी भर के बकरियों को पिला दिया, शुएब अलैहि सलाम ने बुलाने भेजा कि उसको बुला के लाओ, बुलाने के लिए आई लड़कियां और उन्होंने मूसा अलैहि सलाम ने, अब क्योंकि लड़कियां हैं उनके साथ घर जाना है, वहां अपनी शराफत और ईमानदारी अमानतदारी शुरू किया, क्योंकि अल्लाह के बंदे थे वो, और जलील कदर मिली पूरी ईमानदारी के साथ हया के साथ पहुंचे उनके घर, पूरी ईमानदारी के साथ खयानत नहीं की, ये बंदे के जिंदगी में तकवा इख्तियार करें, रोजे लेने तो क्या करें, तकवा इख्तियार करें, भाई न करें, गुनाह न करें, और कहां मुतवज्जे रहें अल्लाह, और किसी से उम्मीद, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह के लिए काम किया उन्होंने, अल्लाह के लिए एहसान किया उन पर, तो अल्लाह ने निजाम बनाया अपनी कुदरत का है भी निजाम। फिर वहां पहुंचे, बातचीत हुई, तारुफ हुआ शुएब अलैहि सलाम से, तो उन्होंने खुद ही पेशकश रखी, तुम ऐसा करो हमारे घर रह जाओ, और ये मेरी बेटियां हैं उनमें से एक से आप निकाह करो, तो ठिकाना भी मिला, ठिकाना भी नहीं था, वहां से तो निकाले गए, रोजी रोटी का इंतजाम नहीं था, तो वहां बकरे वाला घर मिल गया, धंधे वाला गुजर मिल गया, अकेले थे तो बीवी मिल गई, सारा निजाम हो गया, अल्लाह के लिए काम किया, जब काम अल्लाह के लिए होगा तो अल्लाह सब कुछ करेगा, बस
नजर वहां रखें, किसी पर नजर नहीं, किसी पर नजर किस पर, किसी से कुछ नहीं चाहते, न पैसा चाहते हैं, न माल चाहते हैं, न खाना चाहते हैं, न शुक्रिया चाहते हैं, अल्लाह के लिए करेंगे, जो हाल आएगा बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम पर हाल आया तो आप वो तो हिमायत में गए थे ना अपने कबीले के आदमी, और कितना बड़ा हाल आ गया कि वतन छोड़ना पड़ा, इतना बड़ा हाल आ गया, लेकिन तकवे के साथ हैं वहां गए, अपनी ड्यूटी उन्होंने पूरी की, एक इंसान होने के नाते एक इंसान के जिम्मे है कि इंसानों के साथ हमदर्दी करें, उन्होंने हमदर्दी की, और वो हमदर्दी किसी लालच में नहीं, कोई गरज नहीं थी हमदर्दी से, सिर्फ अल्लाह के लिए हमदर्दी की थी, और अल्लाह की कुदरत का वह भी निजाम चला, और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रोटी का भी इंतजाम हुआ, घर का भी इंतजाम हो गया, और बीवी का भी इंतजाम हो गया, अल्लाह की कुदरत का निजाम। ऐसे जब जब भी अल्लाह का जो बंदा अल्लाह के साथ मामला करे और अपनी जिम्मे जो इबादत है उसको करता हुआ मखलूक के खुदा के साथ खैर भाई और हमदर्दी करेगा तो अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करता, अल्लाह उसे जाया नहीं करता। मुहाजिर हिजरत करके मदीना गए, अपना सब कुछ उन्होंने लुटा दिया मक्के में अल्लाह के लिए, कोई गरज नहीं थी हिजरत से उन्हें, तो अल्लाह ने मदीने में ठिकाना दिया। मदीने वालों के दिल में ऐसी मोहब्बत डाली कि मदीने वालों ने उनको अपना सर भाई बनाया, मुआफ़ करवाई मूसा अलैहिस्सलाम, और ऐसा भाई बनाया कि आधी आधी जायदाद दे दी, अल्लाह के लिए छोड़कर गए। अल्लाह निजाम करता है, इसलिए जो अल्लाह का काम अल्लाह के लिए करेगा अल्लाह उसे जाए। अभी हमको यही परेशानी है कि जमात में जाएंगे तो कहाँ से पैसे लाएंगे, खाएंगे कैसे, क्या करेंगे, इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। अल्लाह के कुदरत पर अभी यकीन की कमजोरी, वही पहली चीज, ईमान अगर अंदर मजबूत होगा तो फिर सारे काम आसान होंगे। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करें, इस पर करें, और मखलूक में से किसी मखलूक पर चार आने की उम्मीद न रखें, बेटा अपने बाप से उम्मीद न रखें, बेटा अपने बाप से उम्मीद न रखें, गरीब भाई अपने मालदार भाई से उम्मीद न रखें। उमूमन ये होता है जमात में कि भाई दूसरों से तो नहीं मांगते लेकिन उम्मीद बाप से होती है कि अब्बा कुछ खर्चा दे दे, भाई हमारा मालदार है तो दे दे, साथ से कहते हैं हमारे भाई से बात कर जो नहीं, ना भाई पर उम्मीद हो ना बाप पर, इसी के मान हाँ कर्ज लेंगे तो पास गाली से कर्ज लेंगे, भाई से कर्ज लेंगे, हुजूर अकरम ने लोगों का से कर्ज लिया, और कोई साहब से कर्ज लेना शादी के आपको इनके तकाजों पर तो कर्ज लेंगे, लेकिन उम्मीद न भाई से न अब्बा से न बीवी से न बच्चों से न गांव के कोई मालदार से। अल्लाह सबसे बड़ा बनी, बड़ा बनी, सबसे बड़ा बनी अल्लाह, उसी अल्लाह पर उसका काम करते हैं, उसी पर नजर रखते हैं, उसी के लिए करेंगे, कोई दूसरी मदद नहीं, और इंसानों के साथ हमदर्दी करेंगे हर वक्त, हम लोगों के खैरख्वाह बन के रहेंगे, उन लोगों के साथ भी खैरख्वाही करेंगे जो हमारे साथ खैरख्वाही करते हैं, और उनके साथ भी खैरख्वाही करेंगे जो हमारे साथ बदखाही करते हैं, सबके दरबार बदला लेने का हमें इख्तियार, लेकिन हम माफी के साथ तरबाई करते रहे, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। तो इसलिए ये मेहनत की सीख नहीं, इसलिए कहा जाता है चार महीने आदमी जाग मस्जिद के माहौल में, दावत की फिजाओं में, तालीम के हल्कों में, और रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोज रो कर आदमी अपने अंदर इन कमालात को पैदा करे, इन खूबियों का हामिल बने। खाली किताब पढ़ना बयान करना नहीं सीखना है जमात में जाकर, खाना पकाना वो एक काम है उसके, वो भी हिस्सा है इसके, लेकिन जमात में निकलकर ईमान सीखना है, इबादत सीखनी है, अखलाक सीखने हैं, इल्म सीखना है, अल्लाह का ताल्लुक और उसके जिक्र की मशक करनी है, मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा बनाना है, और अल्लाह के मासिवा से नजर हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात पर हमारी नजर जम जावे, इसकी मशक करनी है, और जान और माल अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसको अल्लाह के नाम पर लुटा देने का और खपा देने का जज्बा पैदा करना। जो कुछ हमारे पास है हमारा नहीं, वो अल्लाह का दिया हुआ, हम इसके मालिक नहीं, अल्लाह इसका मालिक, ये जान और माल अल्लाह के नाम पर लग जाओ हमारा खुश नहीं, जो लग गया वो हमारा है, अंदर ये जज्बा अंदर बने, इसके लिए चार महीने लगवा दें,
चार महीने में आपकी मशक है इसकी, लगाने की, कपाने की, मिटाने की, इबादत की, तहज्जुद की, जिक्र की, सारी मशक है इसकी, सारी शुगर की मशक। इसलिए चार महीने पर ये सारे अमल रोजाना करने, रोजाना तहज्जुद, रोजाना जिक्र, रोजाना दुआ, रोजाना गश्त, रोजाना तालीम, रोजाना खिदमत। एक तो इज्तिमाई होगी, बाकी इंदिरा देखा नहीं, रोजाना अल्लाह के नाम पर फर्ज, सारे काम रोजाना, चार महीने आदमी करता रहे, जैसे वर्जिशें होती हैं और दीगर बहुत सारा जिसमें रोजाना वर्जिश करनी पड़ती, बीच में एक दिन क्या पकड़ लेती है, अब आपका काम नहीं होगा, रोजाना कंटिन्यू आना पड़ेगा। ऐसा कोर्सेस होता है बीमारियों के, 40 दिन तक दवाई लेने की, एक दिन ड्रॉप किया तो दोबारा 40 दिन, टीबी का इलाज है ना आजकल टीबी का, तो उसमें उनको गोली, डॉक्टर को जिम्मेदारी है उसको घर जाके गोली खिला दें, गवर्नमेंट के उसमें जो उसके इलाज चलते हैं टीबी के, तो उनके नर्सिंग स्टाफ की जवाबदारी में घर जाके अपने सामने गोली खिलाओ, एक भी दिन त्याग न करें, अगर त्याग करेगा तो कोर्स दोबारा शुरू, जैसे जमात में निकल कर आदमी त्याग न करे, रोजाना पाबंदी के साथ इबादत, खिदमत, तालीम सीखना, सिखाना, दुआ, जिक्र, सारे काम करते 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 विषम और रूह इसकी आदि हो जाए, इसका आदि बन जाएगा। एक मश्क है, एक मश्क खाली चार महीने गुजारने के लिए नहीं, एक मश्क है, इबादत की, दावत की, जिक्र की, सारे कामों की मश्क, जो बुनियादी अमाल है शरीयत के दीन, बुनियादी चीजों की एक मश्क है, और उसके हम सब पहुंचा जाए, बार बार निकलते रहे, एक बार गए दोबारा गए, दोबारा जा रहे, चौथी बार जा रहे, पांचवी मरतबा जा रहे, बार बार, जब तक कि हम ईमान का कमाल हासिल कर लें, जब तक कि हम अपने मजहब का, अपने मजहब और दीन का पक्का इलम हासिल कर, अल्लाह का अच्छा ताल्लुक पैदा करके, और फिर अब मजीद मौका है अब अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबानी करते हुए पूरी दुनिया में इस मेहनत को लेकर जाना, कहाँ जाना है अरे मौलाना भाई, अभी तो बालिया से सालिया ने दीपपुर ने नाटापुरा ने नागपी पड़िया ने वहां जा रहे हैं कि इतना काम नहीं हमारा, ये काम तो पूरी दुनिया में जाकर करने का, पूरी दुनिया में जाना, हाँ यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाइना जाना है, जापान जाना है, पूरी दुनिया में जाना, और कौन ले जाएगा, बोलोन भाई अल्लाह ले जाएगा, जो अल्लाह बालिया से सालिया ले जाता है वही अल्लाह, वही अल्लाह यहाँ से दुनिया के मुल्कों में ले जाएगा, वो कादिर है, ये सारे मुसाफत है हमारे अल्लाह के वहाँ के मुसाफत, हुजूर अहसान को रातों रात उठाया मक्के से बैतुल मुकद्दस और वहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवीं आसमान तक पहुँचा था, अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ, सारी साइंस अभी नीचे है, जमीन आसमान के नीचे है, अभी तो चांद पर भी पूरी पक्की बात नहीं, गए कि नहीं गए, जो चांद आसमान से बहुत नीचे है, चांद आसमान से बहुत नीचे, अभी तो वहां तक नहीं पहुंचे, अल्लाह ताला अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मक्के से कहां ले गए, बैतुल मुकद्दस, और फिर बैतुल मुकद्दस से रातों रात कहां ले गए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवा, सिदरतुल मुंतहा, और जन्नत जहन्नम की सैर कराई, सब देखा है, देखो ये, फिर वापस आ भी गए रात, तो वो अल्लाह जो आपको वहां तक ले गया वो हमको यूरोप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं जाएंगे, अरे बोलो ना भाई, अरे अरे सोचते होंगे कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा, अल्लाह ले जाएगा, इसलिए तय करो इंशाल्लाह कि मौत के आखिरी सांस तक दीन के काम को दीन सीखने की नीयत से करते रहेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, कौन कौन करेगा, अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए और अल्लाह कबूल फरमाए, अब इसके लिए हिम्मत करके पेश करो, चार चार महीने के लिए, चिल्ले के लिए भी, अभी नकद जमा के बन रही है 8-9 तारीख से, और मस्जिदों में भी तश्कील हो रही होगी, यहाँ अभी 1-2 दिन में कुछ तश्कील हुई है, ये जमात जाकर बकरीद से पहले वापस आ जाए, इसलिए खड़े होकर हिम्मत से पेश करो, कौन कौन तैयार है भाई, जल्दी जल्दी पेश करना शुरू कर दो।